हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपस में लेकर आ गया हूं एक नया वीडियो इन डीएसए विद सी प्लस प्लस कोर्स में। तो स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे चैनल पर। तो पहला इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर देना, जैसे आपको हर एक न्यू वीडियो से नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते, तो लास्ट क्लास मैंने बताया था आप लोगों को प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्राइवर्ड सर्च, ठीक है। तो आज उसका कंटिन्यूएशन होने वाला है, तो इसमें मैं बताने वाला हूं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है, जिसमें आपको ये कोड जो मैं यहां आइट्रेट कर था ना बैठ के, ये पूरा जो आइट्रेशन मैंने करके ये पूरा आंसर निकाला यहां पर, ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। सिंपली बिना कोड देखे, बिना कुछ आइट्रेट किए, सिर्फ ट्री को देखकर आप प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर निकाल पाओगे। हाँ जी, तो आप बिना कोड देखे, बिना आइट्रेशन किए, आप कोई भी ट्री को, सिर्फ ट्री को देखकर आप इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर आप निकाल पाओगे और एकदम परफेक्ट सही सोल्यूशन लिखोगे और वो कभी भी गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो वैसा मैं एक शॉर्टकट ट्रिक लेकर आया हूं। तो अगर आपको अच्छा लगता है मेरा शॉर्टकट ट्रिक का वीडियो तो देखो अच्छे से पूरा, और पहले कमेंट करके बताओ कि आपको प्रीवियस वीडियो जो था प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर का कैसा लगा आप लोगों को, तब मैं आगे बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखते हैं फटाफट शॉर्टकट ट्रिक क्या है क्या नहीं। तो पहले उसको वापस से ड्रॉ कर लेता हूं अच्छे से, ट्री को वापस से एक बार थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लूं फिर से, ठीक है। तो मेरा था थोड़ा बड़ा बड़ा ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो समझने में आसानी होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये एक ट्री है जो इस तरह बना रहा हूं मैं, एकदम परफेक्ट ट्री बन रहा है। चलो नंबरिंग दे दो, 1, 2, 3, 4 और कैसे था 5 और 6। तो यहां था आपका 5 और यहां था आपका 6, ठीक है। तो ये कुछ नंबरिंग्स थे इसके। तो मुझे निकालना है प्री ऑर्डर, ठीक है, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। तो इसी का आंसर तो यहां दिख रहा होगा आपको, यहां ऑलरेडी लिखा हुआ है इसका आंसर, जो मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था, ऑलरेडी आंसर निकला हुआ है इसका, ठीक है। इस ट्री दोनों सेम ही ट्री है, थोड़ा छोटा कर दिया था, थोड़ा बड़ा बना दिया नीचे, ठीक है, उसका आंसर निकला हुआ है। अब देखिएगा, मैं आंसर को देखूंगा नहीं, मैं सिंपली वो ट्रिक से निकालूंगा आंसर, फिर मैच करवाऊंगा, दोनों सेम आंसर होंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर बेसिकली इसका लिखूंगा आंसर, ठीक है। तो आपको देखना कि आपको सेम टू सेम आंसर रहने वाला है इसका, फाइन। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक श्योर कि आपको अभी तक लेक्चर में जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पर मैं सिर्फ एक मिनट का ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहूंगा। सो न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट योर कोडिंग करियर विद न्यूटन स्कूल। तो मैं बता रहा हूँ एक स्टेप, ठीक है, वो याद रखना, छोटा सा स्टेप है, उसको आप बस याद रखना, उससे आपका सब काम बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं बना रहा हूँ एक, मान लीजिए नोड है आपका, ठीक है, ये आपका ट्री का एक नोड है, सी सब नोड है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैसे एक नोड है। उसके आस पास मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, एक लेफ्ट में लाइन ड्रॉ किया, एक बॉटम में लाइन ड्रॉ किया, एक लेफ्ट में लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। तो आपको मैं बोल दूं सिंपली, जो लाइन ड्रॉ किया हूं इसका मतलब क्या हुआ आपका, लेफ्ट वाला हो गया आपका प्री ऑर्डर, बॉटम हो गया आपका इन ऑर्डर और राइट वाला हो गया आपका पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ये कुछ हो गया आपका लाइन, मतलब ये लाइन आपका है, ये समझ लो ये लेफ्ट लाइन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्री ऑर्डर रिवर्सल, ये हो गया बॉटम लाइन, तो ये हो गया आपका इन ऑर्डर रिवर्सल और राइट सॉरी लेफ्ट राइट लाइन हो गया आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो ये बस लाइन को आप ध्यान में रखना, बस उतना ही काम है, और बीच में आपका कोई भी नोड हो सकता है, वो डिपेंड करता है ट्री के ऊपर, ठीक है। बस यही आपको याद रखना है, तीन लाइन, ठीक है, प्री ऑर्डर वाली, इन ऑर्डर वाली और पोस्ट ऑर्डर वाली लाइन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट लाइन जो होगा वो आपका होगा प्री ऑर्डर वाली लाइन, बॉटम लाइन को बोलेंगे हम लोग इन ऑर्डर वाली लाइन और राइट लाइन को बोलेंगे हम लोग पोस्ट ऑर्डर वाली लाइन, ठीक है। तो बस मुझे क्या करना है, ट्री को आइट्रेट करना है और बस आंसर निकाल लेना है। चलिए तो देखते कैसे मैं ट्री को आइट्रेट करने वाला हूं, ओके। चलिए मैं स्टार्ट करूंगा इस पॉइंट से, तो मैं रेड पेन वापस से ले लेता हूं, मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करने वाला हूं ट्रैवर्सल, ओके। पर देखो मैं ट्रैवर्सल कर किस आ रहा हूं, ठीक है, देखो मैं ट्रैवर्सल कर रहा हूं, ये लेफ्ट लाइन ड्रॉ किया, ये बस यहां गया, फिर लेफ्ट लाइन ड्रॉ किया, फिर यहां गया, फिर लेफ्ट लाइन ड्रॉ किया, फिर बॉटम लाइन ड्रॉ किया, फिर राइट लाइन ड्रॉ हुआ, फिर ऐसे गया बॉटम लाइन, फिर यहां गया लेफ्ट लाइन, फिर यहां बॉटम लाइन, राइट लाइन, फिर ऊपर गया राइट लाइन, यहां गया बॉटम लाइन, लेफ्ट लाइन, बॉटम लाइन, फिर यहां गया लेफ्ट लाइन, बॉटम लाइन, राइट लाइन, फिर यहां गया राइट लाइन, फिर ऊपर गया राइट लाइन। तो इस तरह मुझे बाहर निकल जाना, ये आपका एग्जिट पॉइंट है, ठीक है, ये एंट्री पॉइंट हो गया, ये आपका एग्जिट पॉइंट हो गया एग्जिट, और ये हो गया आपका एंट्री, ठीक है।
तो ऐसे कुछ मुझे आइट्रेट करना, मैंने दिखाया ना आपको कहां मैं लेफ्ट बोल रहा हूं, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट लाइन हो गया, बॉटम लाइन राइट लाइन, बॉटम लाइन लेफ्ट लाइन, बॉटम राइट राइट बॉटम लेफ्ट, फिर बॉटम, फिर आपका लेफ्ट बॉटम राइट राइट राइट, ठीक है। तो इस तरह कुछ लाइनिंग्स है इसके, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये तो सही बात है कि आपने देख समझ तो लिया कि लाइन ड्रॉ किस तरह किया था, ठीक है। तो मैंने ही बताया आप लोगों को कि लाइन को ड्रॉ किस तरह करेंगे हम लोग इसके अंदर में, तो आपको दिख गया होगा। अब मैं बताऊंगा कि आप लाइन ड्रॉ करते करते आप आंसर कैसे निकालोगे। लाइन ड्रॉ तो भाई कोई भी कर देगा, अब आंसर कैसे निकालोगे वो मुझे डिसाइड करना है। तो मैंने आपको सिखाया क्या याद कि प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, बस वही करना है आपको। जहां जहां आप जो नोड की आप बगल में लेफ्ट लाइन ड्रॉ करते हो, बस आप उस नंबर्स को इस इसमें जो आंसर यहाँ स्टोर करने वाले उसको बस वहां स्टोर करते जाओ, ठीक है। जहां मुझे बॉटम लाइन हिट होगा तो उस वाले नोड को इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के पास लिख दो। जहां आपका राइट लाइन हिट होने वाला है, आपका लेफ्ट बॉटम राइट लाइन हिट होने वाला है, वो आपको उस नोड को आपको पोस्ट ऑर्डर के पास लिख देना है, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते दिखाते कि कैसे लिखेंगे उसको, ठीक है। चलो तो ये हुआ आपका लेफ्ट लाइन, ठीक है। तो लेफ्ट लाइन किसका मैंने बताया था आपको, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो वन किस में आएगा आपका, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूँ एक एक करके बताता हूँ आप लोगों को, फिर आप लोग क्या सोचोगे कंफ्यूज हो जाओगे एक साथ मैं आप लोग कुछ भी कर सकते हो, आप एक एक करके काउंट कर निकाल सकते हो या आप एक साथ तीनों निकाल सकते हो, आप एक साथ तीनों भी निकाल सकते हो, ठीक है। बट मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ पहले आपको, मैं आप कंफ्यूज हो जाओगे। वन से जाता हूँ मैं टू की तरफ, लेफ्ट लाइन ड्रॉ किया, टू यहाँ लिखा, फिर यहां से गया थ्री के तरफ, लेफ्ट लाइन ड्रॉ किया, थ्री लिखा मैंने, फिर ये बॉटम लाइन है, अब इसको इग्नोर करो कि काम आएगा इन ऑर्डर में, राइट लाइन है इग्नोर करो काम आएगा प्री पोस्ट ऑर्डर में, ठीक है। फिर ये बॉटम आया, फिर लेफ्ट लाइन ड्रॉ हुआ, मैंने फोर को लिखा, फिर बॉटम राइट उसको इग्नोर, राइट को इग्नोर, बॉटम को इग्नोर, फिर लेफ्ट लाइन ड्रॉ हुआ, फाइव आया आपका, फिर बॉटम को इग्नोर, लेफ्ट लाइन ड्रॉ हुआ आपका सिक्स आया, फिर यहां से बॉटम राइट, राइट इग्नोर कर देना है। देख सकते हो अब मैं इस लाइन को हटा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे फिर ड्रॉ करनी है इस लाइन को, ओके। तो इस लाइन को मैं मिटा देता हूं। अब आया इसका क्या आंसर, 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर दिख रहा होगा आपको प्री ऑर्डर का आंसर क्या है आपका, सेम टू सेम 1 2 3 4 5 6। तो देखा आपने, मैंने कोड को यूज ही नहीं किया, ना ही मैंने आइट्रेशन को यूज किया, सिर्फ मैंने ट्री को आंख से देखा, वो मैं ड्रॉ कर रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए, बट आपको ड्रॉ करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप आंख से देख कर आप उसका आंसर निकाल पाओगे। आप बस देखोगे ओ ये 1 से क्या 2 से 3 से 4 से 5 से, आप उसका आंसर निकाल पाओगे। तो मैं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैंने लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। आपको लाइन भी ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, अगर आप अकेले खुद से अगर आपको आता तो आप कर पाओगे। अब चलते फिर इन ऑर्डर की तरफ, तो इन ऑर्डर यहीं से शुरू होता है। तो अब इस केस में हम लोग को सिर्फ बॉटम लाइन देखना है, ठीक है, सिर्फ बॉटम लाइन ध्यान रखना। तो यहाँ लेफ्ट कोई काम नहीं है, लेफ्ट कोई काम नहीं है, लेफ्ट कोई काम नहीं है, जैसे बॉटम हिट हुआ मुझे यहाँ लिख देना है, ठीक है। राइट कोई काम नहीं है, टू हिट हुआ बॉटम में, टू को यहाँ लिखना होगा। फिर यहाँ आया लेफ्ट काम नहीं है, बॉटम हिट हुआ मुझे फोर लिखना होगा, ठीक है। फिर राइट कोई काम नहीं, राइट का कोई काम नहीं, लेफ्ट बॉटम हिट हुआ हमारा तो वन लिखना होगा हमें यहाँ पर। फिर लेफ्ट आया, फिर बॉटम आया फाइव, तो फाइव लिखना होगा आपको यहाँ पर। फिर आया लेफ्ट, बॉटम आया सिक्स, तो सिक्स लिखना होगा, फिर ये आगे निकल जाएगा। अब इसका आंसर मैच करो, 3 2 4 1 5 6, 3 2 4 1 5 6, पूरा हूबहू सेम आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था आपका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, पूरा पूरा एकदम परफेक्ट सोल्यूशन के साथ है, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट पोस्ट ऑर्डर की तरफ, तो उसमें आपको देखना है राइट लाइन, ठीक है। तो याद रखना लेफ्ट हो गया, बॉटम हो गया, अब आपको राइट लाइन देखना है सिर्फ, ठीक है। तो ये इग्नोर, ये इग्नोर, ये इग्नोर, इग्नोर, राइट लाइन हिट हुआ थ्री, मतलब थ्री लिखना है आपको यहाँ पर। फिर ये आया आपका यहाँ पर, ये इग्नोर, ये इग्नोर, ये इग्नोर, फोर हिट हुआ आपका राइट में, फोर लिख दो। फिर आपका इसका हिट हुआ तो ये लिख दो राइट लाइन हिट होने से। फिर वन का बॉटम को इग्नोर, लेफ्ट इग्नोर, बॉटम इग्नोर, लेफ्ट इग्नोर, बॉटम इग्नोर, राइट हिट हुआ सिक्स का, सिक्स लिख दो। फिर यहाँ आया फाइव का राइट हिट हुआ, फाइव लिख दो। फिर ये आगे जाके वन का राइट हिट हुआ, वन लिख दो। इसको मैच कर लो फटाफट, 3 4 2 6 5 1, 3 4 2 6 5 1, एकदम परफेक्ट सोल्यूशन है। देखा आपने एकदम, मतलब आपको कोड लिखना भी नहीं पड़ा, आपको आइट्रेशन जो मैंने यहाँ पूरा आइट्रेशन लिख करके दिखाया, तीनों का अलग अलग इतना टाइम लगा वो भी नहीं करना पड़ा आपको, आपको सिर्फ देखना है इसको, ये याद रखना है बस, कोई भी नोड है उसके लेफ्ट से लाइन जा रहा है तो प्री ऑर्डर का आंसर में जाएगा, बॉटम से लाइन जा रहा है तो इन ऑर्डर के आंसर पे जाएगा, राइट से लाइन जा रहा है
पक्का वो पोस्ट ऑर्डर के आंसर पे जाएगा। बस आप तीनों को एक साथ भी आंसर लिख सकते थे। अब देखिए वन का देखिए लेफ्ट पे आया तो आप वन का वहां पर लिख दिए, टू का देखिए लेफ्ट आया टू के वहां लिखे, थ्री का लेफ्ट आया थ्री का लिखे। अब जैसे थ्री का बॉटम आया आप पहले इन ऑर्डर लिख देते हैं, देखिए राइट आया थ्री का तो आप पोस्ट का वहां आंसर लिखते हैं। समझे, आप एक साथ भी आंसर निकाल सकते थे बट मैंने आपको कंफ्यूज ना हो आप कंफ्यूज, इसलिए मैंने कहा कि अलग अलग करके निकाल के आपको दिखा दिया। ठीक है, तो यही इतना ही सा वीडियो था यार। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो का लाइक कर देना, ऐसे शॉर्टकट ट्रिक अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताओ कि अगर ऐसा शॉर्टकट ट्रिक अच्छा लगता है तो और भी कुछ अगर शॉर्टकट ट्रिक मुझे मिलेगा तो मैं लेकर आऊंगा आप लोग के सामने। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को क्लिक कर देना, जैसे नई वीडियो मिलेगी आपको सबसे हर समय पहले सबसे नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए बाय बाय बाय। बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक लास्ट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूं जो कि बहुत जरूरी है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू न्यूटन स्कूल, जिनकी मदद से हम ये वीडियोस आप तक पहुंचा पा रहे हैं। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहां प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहां पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक out the link in the description to skyrocket your coding career with Newton School.